वर्ल्ड चाइल्ड राइट्स को लेकर के कैसी क्या व्यवस्था रही है? जी देखिए, अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत के अंदर हमारी जो ह्यूमैना टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ह्यूमैना पीपल टू पीपल इंडिया, क्योंकि हर एक को जागरूक करना और घरों के अंदर से बच्चों को निकालना और उनको अवेयर करना अबाउट द एडुकेशन, तो दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क और ह्यूमैना इज़ डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। और अगर हम बात करें तो इनके स्टाफ मेंबर्स की भी, मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ कि बिना किसी चीज़ के, वो बिना किसी डिमांड के वो अपना टाइम निकालती हैं और उनको पढ़ाने जाती हैं, और अगर बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो उनको वहाँ जाकर भी स्टडी कराती हैं। तो ये पानीपत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ह्यूमैना जो है पानीपत के अंदर आया है, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो अग्रेसिव हैं कि हमें कुछ करना है, उनको एक मौका मिला पढ़ने का। और मैंने ह्यूमैना को आज यही कहा है, प्रॉमिस किया है कि अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं उन बच्चों के साथ हूँ, ताकि हमारा पानीपत जो है वो डेवलप करे। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी, जो बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे या पहुंच रहे हैं, उनको जो मोटिवेशन करने का क्या तरीका है? जी बिल्कुल, देखिए जो फैक्ट्रीज के अंदर अगर कोई लेबर ऐसा काम कर रही है और चाइल्ड लेबर काम कर रही है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो लेबर इंस्पेक्टर को हम ये चीज़ कन्वे करेंगे, कहीं पे भी अगर उनको बच्चा दिखता है तो उस बच्चे को जो है इस ह्यूमैना टीम से हम जोड़ने का काम करेंगे। एक मैडम, एक स्कूल संभावना स्कूल है यहाँ पर ज्योति कॉलोनी में, जो उनका गली का जो रास्ता है वो काफ़ी जो है दयनीय रास्ता है, और उस रास्ते को लेकर के कई बार जो है कि विधायक से मिले, आपके पास भी शायद एक दो बार गए हैं, उस रास्ते को लेकर के जो है कि जो मेंबर है CRPF के और उनका काफ़ी वो था उसके बारे में? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अभी आपके संज्ञान से जब भी मैं इस आई हूँ प्रोग्राम पे, तो अभी मुझे ज्योति कॉलोनी के जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है, अगर उनका टेंडर वगैरह हुआ तो वो एक दो दिन में ही उनका वर्क ऑर्डर करा के काम जल्दी शुरू करेंगे, और इनके टेंडर नहीं हुआ तो उसको जल्दी लगवाने की हम कोशिश करेंगे और विधायक जी से बात करेंगे। संजय भाटिया जी आज नहीं पहुंच पाए शीतकालीन सत्र के दौरान, क्योंकि आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि सत्र शुरू हो गया, जैसे यहाँ बच्चों की अटेंडेंस लगती है वहाँ पार्लियामेंट में भी अटेंडेंस लगती है, क्योंकि वहाँ हर सांसद का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी होता है। संजय जी का आदेश था कि आपने वहाँ ज़रूर जाना है, तो मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। क्या आपका मोटिवेशन रहेगा बच्चों को लेकर के, व्यवस्था को लेकर? क्योंकि संजय जी की भी एक ही सोच है कि शिक्षा के उत्थान के लिए जहाँ भी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। और जो यहाँ समिति के मेंबर हैं, जब भी आएंगे, कुछ भी अगर उनको सेवा या हमारी सेवा की मदद की ज़रूरत हो, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ मेयर अवनीत कौर जी और संजय भाटिया की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड वेलफेयर को लेकर के जो समस्या है उनको निवारण कैसे करेंगे। बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से, मैं धर्मेंद्र इंसान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।